और राजधानी रांची प्रेस क्लब की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार और उनके परिजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि आज़ादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर करीब 75 यूनिट खून जमा का टारगेट रखा गया है। दूसरी ओर रक्तदान करने आई महिलाओं ने कहा कि ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं और खासकर महिलाओं को लेकर रक्तदान शरीर के लिए अच्छा होता है। हम लोगों ने पहले ही निश्चित किया था कि इस बार विश्व रक्तदाता दिवस जब होगा तो उसके पहले एक दिन पहले ही हम लोग रक्तदान करेंगे। इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने कहा कि भाई रांची के पत्रकार साथियों से एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए समाज में। और दो दिन पहले जो शुक्रवार को जो रांची में घटना हो गई है जिससे पूरा लगा कि हमारा भाईचारा हमारा अमन सब खतरे में पड़ गया है, ऐसी स्थिति में तो हमारे लिए ये रक्तदान शिविर और ज़्यादा रेलिवेंट हो गया, एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गया कि रांची के सड़कों पे खून नहीं बहना चाहिए, हमारे ब्लड बैंक में ब्लड रहना चाहिए कि हमारे जो पीड़ित लोग हैं जो इधर उधर घूमते हैं, पर बहुत सारे पत्रकार साथियों को भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम ब्लड मांग लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं हम लोग अलग अलग किस्म से, तो इसलिए नहीं हमारी अपनी हिस्सेदारी हो। भ्रांतियाँ तो यहाँ भी है और हम जब फर्स्ट टाइम दिए थे हमको लगता है करीब 15 साल पहले पानीपत में दिए थे हरियाणा में, तो वहाँ पर तो लेडीज़ लोग बिल्कुल ही नहीं देती थी और जब मैं दे के आई अपने बगल वाली को भी पता है कि मैं दे के आई हूँ तो बोले अरे ये तुम्हारे जनने का टाइम है, मतलब अभी बच्चे होंगे तुम्हारे इस टाइम में नहीं देना चाहिए। बोले ऐसी कोई बात नहीं होती है, मतलब बहुत भ्रांति है कि छोटी उम्र की बच्चियों को नहीं देना चाहिए, फिर मिडिल एज, फिर लास्ट जो 40-55 के होते हैं उसको नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्लड हमेशा देना चाहिए और ये आपके बॉडी को हमेशा बनाता रहता है, आप उसको एक काम में डाले हुए हैं बॉडी को तो वो बनता रहेगा, इससे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ये मेरा 9th टाइम है, 9वीं बार हम दे रहे हैं और मुझे मज़ा आता है और जब भी मुझे कोई बोलता है कि अच्छा यहाँ कैंप है तो बिल्कुल देने के लिए हम तैयार रहते हैं।